22 करोड़ आवाम को इस वक्त परेशानी है मुल्क के बारे में, खान साहब को उससे ज़्यादा परेशानी है कि उन्होंने हालात को बड़े करीब से देखा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और चेयरमैन तहरीक इंसाफ के दरमियान पहला अहम पैगाम पहुंचा दिया गया। साबिक जनरल अमजद शुएब के मुताबिक आर्मी चीफ ने अपना पैगाम साबिक आर्मी चीफ ज़ियाउल हक के बेटे इजाज़ुल हक के जरिए पहुंचाया। इजाज़ुल हक जो कि सदर हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग, ज़ियाउल हक के इजाज़ुल हक खुद भी इमरान खान से मुलाकात की तस्दीक कर चुके हैं। उनका कहना था कि आज इमरान खान साहब से मुलाकात हुई है और जिस तरह के 22 करोड़ आवाम को इस वक्त परेशानी है मुल्क के बारे में, खान साहब को उससे ज़्यादा परेशानी है क्योंकि उन्होंने हालात को बहुत करीब से देखा है। इसके अलावा अमजद शुएब का कहना था कि ये बैक डोर अरेंजमेंट है, फ्रंट डोर नहीं है, ऐसी पैगाम रसानी आम किरदार अदा कर सकती है। उनका ये भी कहना था कि जब से इमरान खान इकतदार से अलग हुए हैं उनका एक भी मुतालबा पूरा नहीं हुआ है, तो अब बातचीत किस बात की है, इस्तेहकाम किसी पैगाम से नहीं इलेक्शन से आएगा, मुज़ाकरात सौदाबाजी है। प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब। वस्सलाम फ्रॉम खिज़र बलोच।